दोस्तों, रामलीला पहले इसकी टाइटल कंट्रोवर्सी ने और उसके बाद इस फिल्म के बेशुमार बिजनेस ने पब्लिक अटेंशन मानो छीन लिया। और शायद इस वजह से इस फिल्म की जो डेब्यू मेकिंग राइटर जोड़ी है, सिद्धार्थ और गरिमा की जोड़ी, उन्हें वो क्रेडिट नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था। और इसलिए हमने सोचा क्यों ना इस हिट डेब्यू मेकिंग राइटर जोड़ी को बुलाया जाए। फ्रेंड्स, प्लीज वेलकम सिद्धार्थ, गरिमा, वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस। थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस। पहली बार आप लोगों ने एक फिल्म लिखी एंड इतना बेशुमार बिजनेस हुआ, अब भी फिल्म चलते जा रही है। सबसे पहले आप लोगों को एहसास कब हुआ कि आप लोगों ने जो पहली फिल्म लिखी है वो हिट बन गई है, वो फिल्म हिट हो गई है? एक्चुअली जब हमने जैसे रिलीज हुई फिल्म, वी गॉट सम रिएक्शंस ऑन ट्विटर, सब जगह मिला हमको कुछ कुछ रिएक्शन। फिर उसके बाद हमने सोचा कि चलो सिंगल स्क्रीन की पिक्चर है, उसको सिंगल स्क्रीन में देखना चाहिए। तो हम गए थिएटर्स, वी हॉप थिएटर्स सब बॉम्बे में, चंदन सिनेमा, गेटी गैलेक्सी, हर जगह, मतलब जहां पे करेक्ट लाइन पे जब लोग कलेक्टिव लाफ्टर आते हैं थिएटर में ना, उससे बड़ा कुछ नहीं होता एक्चुअली। एक राइटर को पता होता है कि हाँ, इस लाइन पे लाफ्टर, मतलब लोग समझ रहे हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। बट मुझे ये कहिए, आपकी पहली फिल्म है, यू आर वेरी राइट कि इस पॉइंट पर लाफ्टर आना चाहिए या इस पॉइंट पर ये रिएक्शन आना चाहिए, लिखते वक्त भी आप लोग ये सोचते थे कि अब एक क्लैपट्रैप वाला सीन लिखे, अब एक हंसी वाला, यहाँ पर ये लिखेंगे तो हंसी आएगी, ये लिखेंगे तो ऐसा रिएक्शन आएगा, वैसे भी लिखते थे? एक्चुअली वैसा सोच के नहीं लिखते थे, कभी नहीं। जो चीज स्टोरी के लिए ट्रू टू द स्टोरी है उसके साथ उसको पकड़ के चलते थे और सोचते थे कि हाँ, इस सिचुएशन में कैरेक्टर ऐसे रिएक्ट करेगा तो मजा आएगा देखने का। फॉर एग्जाम्पल, धनकोर का जो कैरेक्टर है फिल्म में, उसके लाइंस ही ऐसे हैं कि हमको मजा आता है लिखने में और शायद सुनने वालों को मजा आता है। Exactly. मुझे ये बताइए, पहले सबसे पहले आप लोगों का बैकग्राउंड बताइए, बिकॉज ये पहली फिल्म है, तो व्हाट इज योर बैकग्राउंड एंड संजय लीला भंसाली ने आप दोनों को कहां से खोज निकाला, या आप लोग संजय लीला भंसाली के ऑफिस पहुंच गए और ये कहा कि हमें एक फिल्म लिखने का मौका दीजिए? सर, लाइफ में हर बड़ी चीज की एक डेस्टिनी होती है, मेरा मानना है, हम लोग का मानना है। तो ऐसे ही एक जरिया था जिसने कि हमें संजय लीला भंसाली तक पहुंचाया, उनके CEO संदीप सिंह, जो कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, दोनों हमारे साथ, हम दोनों उनके साथ काम कर चुके हैं। उन्होंने हमको रेडियो में, अच्छा, रेडियो में मेरे साथ, टेलीविजन में सिद्धार्थ के साथ वो काम कर चुके हैं। तब जब मैं और सिद्धार्थ एक जोड़ी नहीं थे उन दिनों से, वो हमें जानते हैं, तो जब उन्हें पता चला कि हम साथ में काम करते हैं, साथ में लिखते हैं, तो शायद उन्हें ये पेयर इंटरेस्टिंग लगा और उन्होंने रेकमेंड किया मिस्टर भंसाली को। और वन फाइन डे वी फाउंड आवरसेल्व्स एट हिज जुहू हाउस, उनके साथ में चाय पी, और फिल्म का तो कोई डिस्कशन ही नहीं था मेरे ख्याल से। पहली मीटिंग में तो फिल्म का कोई डिस्कशन नहीं था, बट उन्होंने सिर्फ हमको मतलब ऐसा लगा कि वो हमको पढ़ रहे हो जैसे। उनकी होती है ना वो डायरेक्टर्स आई जो होती है उनकी, तो आप लोगों ने गाया होगा इसीलिए शायद डायरेक्टर ने हमें चाय पे बुलाया है। चाय पे क्वाइट पॉसिबल एक्चुअली। और हाँ, कमाल की बात ये थी कि उन्होंने पूछा नहीं हमसे कि हमने पहले क्या काम किया है, उन्हें पता था संदीप के थ्रू कि हमने क्या किया है, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे दिखाओ या मुझे सैंपल लिख के दिखाओ। उन्होंने जब फिल्म लिखवाने की शुरुआत की तो ब्लाइंडली ट्रस्ट किया हम लोगों को। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ ऐसा लगा जो कि वो बाद में कहते हैं कि took me 2 minutes to decide कि these are the two people who will write my film, and it was a big thing because that kind of faith is unseen or unheard of, I would say. So और हम साथ में हमने सोचा कि उनकी इमेज के हिसाब से, उनकी फिल्मों के हिसाब से हम अपनी डार्क पोएट्री वो सब लेके गए थे उनके पास, एंड हम बहुत उम्मीदों के साथ लेके गए, एंड उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, आई जस्ट डोंट वांट टू सी एनी ऑफ योर पोएट्री, अभी मुझे नहीं देखनी, अभी मेरे को कुछ और ही बनाना है, तो अभी आप मत देखो, अब हम बात करेंगे खाली। सो वी डिस्कस सिनेमा, क्रिकेट, पॉलिटिक्स, दैट्स ऑल। एंड उनके घर से निकलते वक्त आप लोगों ने क्या सोचा कि मतलब काम बन जाएगा या कुछ नहीं होने वाला है? हम तो बस उनसे मिलके बहुत खुश थे। अच्छा, दैट इज़ अ अचीवमेंट। हम बहुत खुश थे उनसे मिलके, क्योंकि फिल्मों के बारे में, सिनेमा के बारे में कुछ बातचीत की, एंड उनके उनका एक बहुत डिफरेंट साइड हमने देखा, जो हमने थ्रू आउट द 2.5 years दैट वी वर्क्ड विद हिम, हमने वो साइड देखा कि वो बहुत ही मस्त और एक जोवियल इंसान है। उनकी वो साइड उन्होंने किसी फिल्म में रामलीला से पहले एक्सपोज नहीं की थी मेरे ख्याल से, तो बड़ा मजा आया। हमारा भी जो इमेज था ना, वो थोड़ा सा हमने सोचा, अरे यार ये तो बहुत अच्छे हैं, इनके साथ तो कनेक्शन जुड़ सकता है, तो बट वो एक्चुअली ऐसी इमेज हमारे दिमाग में नहीं थी। ही गेव अस सम आइडियाज, बेसिक जर्म, कि आई वांट टू मेक अ वायलेंट लव स्टोरी, आई वांट टू मेक दिस, आई वांट टू मेक दैट, नाउ यू पिक अप, एंड ही शोड अस सम पोस्टर्स। उन्होंने कुछ ऐसे पोस्टर दिखाए जो उन्होंने कहीं
किसी और फिल्म के दौरान शूट किए थे, तो हमने उसमें से ऑटोमेटिकली एक सब्जेक्ट पे हाथ रखा और वो था वायलेंट लव स्टोरी सेट इन गुजरात, सो विच इज रामलीला। सो तो गुजरात से आप हैं कि आप हैं? हम दोनों ही दोनों ही हैं। फिर भी आप लोगों ने गुजरात वाली कहानी चुनी। करेक्ट। तो गुजरात जाना पड़ा। हाँ, बस इसका नेक्स्ट स्टेज वही था। हमने उन्होंने हमको बोला कि स्टोरी बनाओ, आई वांट टू मेक विलियम शेक्सपियर रोमियो जूलियट, आई वांट टू अडैप्ट। अच्छा, वो ब्रीफ सेकंड मीटिंग में मिल गई थी हमको? मिल गई। उन्होंने बोला आप हमको स्टोरी बना के दिखाओ, तो हमने स्टोरी वाइज इसको ब्रेकअप किया और स्टोरी पॉइंट्स बना के उनके पास लेके गए इन 2 वीक्स टाइम। तब This I think you should say. उसके बाद हम उनके अंदर के स्टडी में बैठे थे और वहाँ पे उन्होंने खिड़की के बाहर देखते हुए पूरी कहानी सुनी हमसे। वो ऐसे बाहर देखे जा रहे थे, हम सोच रहे थे इनको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या सिचुएशन है, और सिर्फ मुड़ के बोले कि आई वोंट रूल दिस आउट। सो वी वर लाइक अच्छा। और उसके बाद में आप मानेंगे नहीं कि उस कहानी से लेकर आज की जो रामलीला की स्टेज है वो कुछ 70-80% वही कहानी है जो हम उनके पास ले गए थे। Not bad at all. तो I think he fell in love with the story. He is not particularly expressive about things. तो बस हमको तब पता था कि हाँ ये अब हम लोगों को मालूम था कि अब ये हमसे लिखवाना चाहेंगे। फिर 3 हफ्ते तक खंडाला में उनके ब्यूटीफुल मिस्टी घर के उधर काम हुआ स्टोरी के ऊपर, और 3 महीनों तक 3 मंथ्स में ये स्टोरी लॉक हुई, जिसके बाद हम लोग इमीडिएटली चले गए कच्छ। कच्छ उन्होंने कच्छ का भी बहुत, उन्होंने हमको जस्ट एक कार दिया। करेक्ट। एंड ही गेव अस अ प्लेस टू स्टे, नेवर गेव अस अ प्लान। उन्होंने कुछ नहीं बताया आपको करना क्या है। हमें कभी वहां जाने के बाद हमको फोन तक नहीं किया कि आप क्या कर रहे हो, कुछ नहीं बोला, सिर्फ घूमो एक्सप्लोर करो। और कम से कम 25 दिन हम आए और हमने वहां से लैंग्वेज, वहां के गरबे का वीडियो बनाए, जो डाक रास वो सब सब कुछ हमने एक्सप्लोर किया। नवरात्रि का टाइम था वो जब हम गए थे। ओके। तो देन एवरीथिंग हैज कम एंड इट हैज एडेड अ लेयर इनटू द स्क्रिप्ट एंड हाउ स्टोरी में हम उसको ऐड। और ऐसा काम कहां मिलता है कि फ्री ट्रिप फ्री पिकनिक। उनका बेस्ट ये है कि वो इंटरफेस ज्यादा नहीं करते हैं, तो आपको एब्जॉर्ब करने देते हैं कि आप एक राइटर की एब्जॉर्प्शन वैसे भी अलग होती है फ्रॉम पीपल। तो वो स्टोरी में हमको खुद मालूम नहीं चला कि कैसे कैसे हम लोग लेयर्स ऐड करते गए। करेक्ट। तो वो प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग। और जो है ना, हम दोनों गुजराती नहीं है, तो आई थिंक दैट हेल्प्ड अ लॉट। करेक्ट। कैसे, अगर कोई गुजराती अगर हम होते तो हम बोलते चलो यार यहाँ तो गरबा देखा हुआ है ना। वेरी ट्रू। तो अब हम यहाँ, हमारे लिए सब कुछ नया। एंड इस फिल्म की भी 80% ऑडियंस या 90% ऑडियंस गुजराती नहीं है। आपकी आंखों से उन्होंने भी फिल्म देखी। करेक्ट। करेक्ट। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इससे पहले आप लोग क्या करते थे? बिकॉज ये बतौर राइटर्स तो आप लोगों की पहली फिल्म है, तो इससे पहले आप लोग क्या, आप क्या करती थी और आप क्या करते थे? हम लोग इस फिल्म के इमीडिएटली पहले 3 साल पहले रामलीला के हम लोगों की अपनी एक राइटिंग आउटफिट थी। हम लोग रियलिटी शोज लिखते थे टेलीविजन के लिए, सिद्धार्थ और मैं दोनों। और उसके भी पहले मैं दिल्ली से हूँ, राजस्थान से एक्चुअली, और सिद्धार्थ हैदराबाद से है। तो सिद्धार्थ हैदराबाद की एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में राइटर थे, कॉपी राइटर। एंड आई वॉज टीवी शो प्रोड्यूसर, मतलब मैं एपी असिस्टेंट प्रोड्यूसर थी वहाँ पे। फिर मैंने लिखे कुछ टीवी शोज और फिर मैं बॉम्बे आ गई रेडियो में। तो रेडियो में हमारी मुलाकात हुई। अच्छा, आप भी रेडियो में आ गए? जी, मैं एडवर्टाइजिंग किया मैंने, और उसके बाद आई मूव टू बॉम्बे। वहाँ मैंने रेडियो मिर्ची ज्वाइन किया, एंड रेडियो मिर्ची में शी केम इन एंड दैट्स वेयर वी मेट। आई वॉज अ राइटर, शी वॉज अ प्रोड्यूसर। ओके। फिर हमने साथ में, तब तो काम करने का डिसाइड नहीं किया था, बट धीरे धीरे हम लोग वहाँ पे रेडियो में काम करने लगे, एक एक कैंपेन के ऊपर या कभी कुछ। एंड देन जब मैंने रेडियो छोड़ा तो आई वेंट टू टीवी, एंड उन्होंने भी छोड़ा, वो भी टीवी में आ गई, तो हमने डिसाइड किया साथ में काम करते हैं। सो देन वी स्टार्टेड राइटिंग रियलिटी शोज, जो कि फिक्शन कम नॉन फिक्शन का एक मिश्रण है। बड़ी अटपटी चीज थी कि एक्चुअली लोग कहते हैं कि दो राइटर्स का साथ में काम करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन समहाउ सिद्धार्थ की और मेरी ट्यूनिंग ऐसी थी इवन टेलीविजन लिखते हुए कि हम बिल्कुल एक तरीके से एक चीज को फॉर्म करते थे। दोनों उतना ही एफर्ट लगाते थे, चाहे लड़ेंगे उसके लिए, अलग अलग व्यू पॉइंट्स लेकर आएंगे। तो फिर उस तरह से वो टीवी में तो काफी सक्सेसफुल रहा हमारा स्टिंट, और फिल्म का हमें पता नहीं था क्या होगा। और एक्चुअली ऐसा था ना कि इससे पहले जो भी किया ना, वहाँ लोग बोलते थे अच्छा रेडियो, रेडियो में काम करते हो, अच्छा तो आरजे जो बोलता है वो लिखा हुआ होता है? तो अब हम क्या बोले, उसका जवाब नहीं होता था। फिर हम टीवी में आए तो बोलते थे अच्छा एंकर, ये रियलिटी शो में कुछ लिखा हुआ होता है? वहां तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, करते क्या हो फिर आप? पर साथ में ये जरूर बोलना इस शो में कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये बोलना पड़ता है। बट फिर अब शायद हमने फिल्म लिखी है तो अब तो लोग मान जाएंगे कि हम लिखते हैं। एग्जैक्टली, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे ये बताइए, जब रोमियो एंड जूलियट बनाने की सोची आप लोगों ने, तो आप लोगों को खुशी हुई कि कुछ एक स्टोरी तो सेट है, हमें सिर्फ उस पैरामीटर्स में काम करना है, या not very happy, you wanted to make something original? नहीं, actually वो जितना उसमें आसान है उतना ही मुश्किल भी है, क्योंकि उसका एक essence होता है, एक रोमियो जूलियट का जो लव का एसेंस है, जो कि वो 400 साल पहले लिखा गया प्ले है, उसको इंडियन सेंसिबिलिटी, आज की इंडियन सेंसिबिलिटी के हिसाब से आपको मॉडिफाई करना है, जो कि एक अपने आप में चैलेंज है। ठीक है, एक स्टोरी है, बेस है,
लेकिन वो स्टोरी एज यू सी इन द सेकंड हाफ ऑफ द फिल्म दैट्स नॉट अ दैट्स एन ओरिजिनल स्टोरी दैट हैज कम इन प्लेस इन आवर फिल्म रामलीला. तो इट्स इक्वली अ चैलेंज. तो आसानी से ज्यादा मेरे को लगता है वो चैलेंज है जो आप बोल रहे हैं. तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था जो शायद ओवरकम करना था हमको. और हमारे देश में आज तक सिर्फ विशाल भारद्वाज थे जिन्होंने अडैप्ट किया है, सक्सेसफुली अडैप्ट किया. तो इट वाज ऑलरेडी द स्टैंडर्ड वाज सेट देयर. तो बेसिकली सबसे मुश्किल चीज ये थी कि मिस्टर भंसाली का ये एम्बिशन, ये ड्रीम था कि वो रोमियो जूलियट बनाए इमीडिएटली आफ्टर खामोशी. तब से वो उस ड्रीम को नर्चर कर रहे थे. तो हमारे लिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात थी कि हम ऐसा ऐसे तरह से अडेप्ट करें कि उन्हें बहुत एक्साइट करें. और आज के लवर्स जैसे वो होते हैं, जितना जितने फिजिकलिटी उनके बीच में है और जितनी उनके बीच में एक ओपन एक्सचेंज है, उसको कैसे अडेप्ट किया जाए रोमियो जूलियट के कॉन्टेक्स्ट में, वो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था. और मजा यह है कि उन्होंने हमको बोला कि तुम लोग बहुत चीप हो और तुम खुल के चीप हो सकते हो इसमें, क्योंकि मैं तो मूड में हूँ बनाने के. आपने जिस हिसाब से हीरोइन के कैरेक्टर को पेश किया है, दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को, वो पहली बार लड़की को मिलती है एंड शी किसेस द गाय, यू नो. एंड हमारी हिंदी फिल्मों में अक्सर ये देखा गया है कि द फर्स्ट मूव इज मेड बाय द हीरो. लड़की थोड़ी कॉय होती है, थोड़ी शाय होती है. बेसिंग सच अ स्टोरी इन टूडेज टाइम्स, यू नो, ये बहुत पुरानी कहानी है. एंड इतनी मॉडर्नाइज कर देने की आपने कैसे सोची? डर नहीं लगा आपको कि शायद ये कहीं हीरोइन का किरदार मतलब एब्सोल्युटली रिजेक्ट नहीं हो जाए? नहीं, एक्चुअली हमने बिल्कुल नहीं सोचा उसके बारे में. क्योंकि हमें लगा कि आजकल लवर्स मिलते हैं, आजकल क्या हमेशा से ऐसा होता है, हम सिर्फ आज दिखाने लगे हैं उसको ऑन स्क्रीन. लाइक हमारी फिल्मों में, पहली फिल्म में देयर वाज अ किस, इफ यू रिमेंबर, आलम आरा इज फेमस फॉर इट्स किस दैट इज देयर. तो वहां से लेके हमने सोचा कि चलो अब तो करने, अब टाइम आ गया है. क्योंकि हम वर्ल्ड के नंबर वन हैं पॉपुलेशन में, नंबर टू है पॉपुलेशन में, एक्चुअली एक्चुअली डिनायल में जी रहे हैं. तो वो हिपोक्रेसी ऑन स्क्रीन क्यों है? मतलब डिस्कस जरूर किया आपने? जी डिस्कस जरूर किया. तो इट वॉज अ कलेक्टिव कॉल बिटवीन सर एंड बोथ ऑफ अस. तो हमने बोला कि करते हैं. Who had to convince whom? All of you were on the same page. और लीला के कैरेक्टर के बारे में तो हम शुरू से बहुत श्योर थे कि ये तो ऐसी होगी. राम का भी, इन दोनों का कैरेक्टर हमें कभी भी डाउट नहीं था कि ऐसा होगा. लेकिन लड़की क्योंकि पर्टिकुलरली ऐसी देखी नहीं गई है, या सवाल ये उठ सकता है कि क्या ऐसी लड़कियां एग्जिस्ट करती हैं, तो हम ये कहना चाहेंगे कि बिल्कुल करती हैं. और जिस माहौल में लीला को दिखाया गया है वहां तो जरूर करती हैं. वहां तो डेफिनेटली मतलब एक दबी हुई सॉर्ट ऑफ वो है. तो जब उसको छूट मिलेगी तो फिर शी विल गो एब्सोल्युटली. एंड शी इज बॉर्न टू लव. तो वो आगे बढ़ के प्यार करना चाहती है, क्योंकि उसको शायद किसी मतलब आसमानी तरीकों से उसके पास वक्त कम है, तो वो वाली बात है. एग्जैक्टली. तो वो टाइम. एक और बात, इशकजादे, वो भी रोमियो जूलियट पर ही आधारित थी. वो आ चुकी थी एंड इन रीसेंट टाइम्स एंड अच्छा बिजनेस कर चुकी थी. उसके बावजूद आप लोगों ने शेल्व्ड दिस फिल्म और थॉट दैट यू नो कुछ और बनाते हैं. एक्चुअली सर, पहले भी कयामत से कयामत तक से लेके फॉर दैट मैटर सौदागर, फिर ये, फिर रेशमा और शेरा, उस तो वो सब कुछ रोमियो जूलियट ही है. Correct. कुछ चली हैं, कुछ नहीं चली हैं. करेक्ट. सो वो एक फिल्म की एक जो कहानी होती है उसकी अपनी एक डेस्टिनी होती है, लाइक जैसे इन्होंने कहा था. तो हम बहुत फर्म थे उसके ऊपर कि ये चीज चलेगी. ये हमें पता था, जब हम लिख भी रहे थे हमको पता था ये चीज चलेगी, ये वर्क करेगी. सिर्फ इसका जो ब्यूटी है, जो सर ने उसको और विजुअली एनहेंस करके जो पेश किया है, तो उसकी वजह से आई थिंक यू नो ऑल दीज कंपैरिजंस आर लेट टू रेस्ट, ऐसा हमें लगता है. मतलब ठीक है. और एक ये भी फैक्ट है कि हम जब ये कहानी लिख रहे थे उसी दौरान, जब हमारी स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी, उसी दौरान इशकजादे आई. तो हमने ये सोचा कि हम अपनी स्टोरी में स्टिक करेंगे, हम उसको इसलिए नहीं बदलेंगे क्योंकि कोई और आ गया. ये इस कहानी के लिए सच्चा है तो ये इस कहानी में जाएगा. ये फर्क नहीं पड़ता कि किसी और ने कर दिया, वो उनकी कहानी के लिए सही था, ये हमारी कहानी के लिए सही है. और ऑडियंस शायद वही अप्रिशिएट करती कि आप ट्रू रहे अपनी कहानी से. मेन चीज ये है, बदल उसको बदल के हम कुछ और कर देते तो शायद वो बात नहीं आ पाती. तो देयर इज नथिंग एज अ बाउंड स्क्रिप्ट. हमें नहीं पता सर ने पहले कैसे काम किया है, बट 40% इन आर केस. कई लोग बोलते हैं कि सर तो बहुत बदलते थे, इस बार तो बहुत कम बदले. और बदलते थे यानी सेट पर जब शूटिंग हो रही है तभी बदलाव आता था. सो यू ऑल यूज टू ऑलवेज बी प्रेजेंट ऑन द सेट. एब्सोल्युटली. ऑल 200 डेज. हमारे लैपटॉप के अंदर एक फोल्डर है जिसमें ड्राफ्ट्स हैं. तो उसमें मतलब मेरे ख्याल से कुछ 66th फाइल अब आ गई है जो कि फाइनली फॉर्म हुई है सर ड्राफ्ट ऑन द शूट. और हर सीन की फिर एक अलग फाइल बनने लगी. हमको शुरू में तो लगा कि अरे यार फिर बदल रहे, फिर तो नहीं. ऐसा तो नहीं कि आप लोग जानबूझकर दो या तीन लाइन लिख के देते थे ये तो बदलेगा. नहीं, एक्चुअली जैसे SLB हैं उनको हर एक स्टेज पे एक्साइटमेंट चाहिए. अगर आज आपकी फिल्म 6 महीने दूर है शूट से और आप बैठे हैं और ऑफिस में नरेशन दे रहे हैं, तो वहां भी उस सीन को उतना तगड़ा होना पड़ेगा कि वो उस पर उठ के ताली बजा सके.
तो उन्हें वो हर स्टेज पे एक्साइट करना ही एक राइटर के लिए मेरे ख्याल से सबसे चैलेंजिंग काम होता है कि उन्हें शूट तक उस चीज के बारे में एक्साइटेड रखना, और वहां तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वो उसमें फेरबदल करना चाहेंगे। इस टाइटल को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई, तो सबसे पहले इस कंट्रोवर्सी की तो हम बात करेंगे, बट सबसे पहले मुझे ये बताइए टाइटल किसके दिमाग से निकला? टाइटल I'm trying to understand who the culprit is in their eyes. We should we say that then? Yes, we should. Sir, title तो हमेशा से सर का बताया हुआ हमको आपको title था. It's about Ram and Leela. The character, उनका नाम पहले से decided था. तो it was never that you know ये Ram Leela है या Shri Ram Leela है. वो सब कभी था नहीं actually. जो उन्होंने हमको title दिया था वो Ram Leela था. फिर during the marketing गोलियों की रास लीला was a line that has come. मार्केटिंग टीम तो तब तक ये कोई विवाद नहीं हुआ था नहीं। जब गोलियों की रासलीला ऐड हुआ तब विवाद बिना ही हुआ जी। हाँ जी हाँ। तब वो हमेशा से टैगलाइन की तरह यूज होता था नीचे, बट नीचे से सडनली ऊपर आ गया बिकॉज ऑफ ऑल द कंट्रोवर्सीज एंड देन कंट्रोवर्सी हुई। तो आप लोगों का क्या टेक है इस कंट्रोवर्सी पर? आई थिंक बिल्कुल ही बेसलेस कंट्रोवर्सी है, क्योंकि वो तो सिंपल है, राम है लीला है। वी आर नॉट सेइंग ये श्री राम के बारे में है। ऐसे तो राम बलराम बनी है, राम और श्याम बनी है, इतनी फिल्में बनी है और उसमें तो राम का कैरेक्टर पिटते हुए दिखाया उन्होंने। तो फिर ये इस फिल्म के पीछे ही इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा हुआ? शायद लोगों को कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है, जितना मेरा मानना है कि खासकर हमारे देश में, क्योंकि धर्म इतनी सेंसिटिव टॉपिक है कि अगर उसके बारे में कुछ मिल जाता है तो फिर बहुत से लोगों का उसमें फायदा हो जाता है, बहुत से लोगों को उसमें एक जैसे कहते हैं फुटेज मिलना, वो चीज हो जाती है। और खास करके जब संजय लीला भंसाली जैसा नाम जुड़ा उसके साथ, तो वो एक चीज थी। बाकी तो ये कि राम तो सब जगह है, तो फिर किसी को परेशानी क्यों होनी चाहिए कि रामलीला ऐसे है। और सबसे ज्यादा दुख हमको तब हुआ जब रामलीला के बीच में वो डैश आ गया, क्योंकि राम डैश लीला हो गया तो अपने लवर्स को वैसे ही अलग कर दिया पिक्चर देखने से पहले तो ये होना गलत था। और मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं, कि कुछ स्टेट्स में कुछ दिनों तक द फिल्म वॉज स्क्रीन एंड अभी भी शायद स्क्रीन हो रही विदाउट अ टाइटल, बिकॉज गोलियों की रासलीला पर भी ऑब्जेक्शन था एंड रामलीला पर भी ऑब्जेक्शन था। तो यू नो हम तो कहते हैं ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि शेक्सपियर ने तो कहा ही है ना कि नाम व्हाट्स इन अ नेम, व्हाट्स इन अ नेम, इट्स अ ट्रिब्यूट टू गुलाब को गुलाब बुलाते तो क्या खा लेते, तो वो वाली बात है। हमारे लिए बहुत अच्छा रहा वो चीज, क्योंकि एक फिल्म ने साबित किया कि बिना नाम के भी हम आपको ऐसा एंटरटेनमेंट देंगे कि आप सीट छोड़ के जा नहीं पाएंगे। एंड लिरिक्स राइटिंग, ये कितना डिफिकल्ट या कितना ईजी है एज कम्पेयर टू द स्क्रिप्ट राइटिंग? सर हम लोगों ने तो कोई फॉर्मल पढ़ाई नहीं की है फिल्म के बारे में, तो इसलिए हम लोगों के लिए प्रोसेस बहुत ही जैसे बोलना चाहिए ना फ्लूइड था। कहानी बन गई और उसके बाद में हमें पता नहीं था स्क्रीन प्ले कैसे लिखते हैं तो सिद्धार्थ और मैं हम लोगों ने कुछ बुक्स ली और हमने उन बुक्स की मदद से समझा कि अच्छा ऐसा होता है, कुछ फिल्म्स देखी वगैरह वगैरह, और बेसिकली अपनी जो पुरानी नॉलेज थी एज ऑडियंस कि कैसे फिल्में होती थी, so true. उसको Very nice. उसको so you all have been film buffs all our lives, total, all lives, oh, both. तो ये कहीं ना कहीं काम आया जी, काम जी. आया। फिर हमारे साथ तो ये था कि स्क्रीन प्ले और डायलॉग हम लोग साथ ही लिखते थे, okay. वो दो अलग चीजें नहीं थी हमारे लिए। हमारा स्क्रीन प्ले बिना डायलॉग के आता ही नहीं है। सो एक्चुअली जो लिरिक्स है वो हमने स्क्रीन प्ले के साथ ही लिखा था। तो जैसे क्या करते थे, हम सीन लिखे हैं तो वहां पे जो गाना आना है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट सॉन्ग बिगिंस, वी यूज्ड टू राइट दो लाइनें ऑफ द गाने। अच्छा, गानों की दो लाइन हमने लिख दी उधर। Uh-huh. जैसे कि तुसंग बैर लगाया ऐसा रहा ना मैं फिर अपने जैसा। तो ये लिख के हम जब नरेट करते थे तो बोलता था सर शुड वी रीड, हाँ हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ के सुना देते थे फिर उसके बाद हमको पता नहीं उनको पसंद आया नहीं पसंद आया, तो फिर बाद में दो दिन के बाद फोन आता था, अच्छा जो तुमने लिखा था वो ये है करके फोन करते थे। मोस्टली यूज्ड टू कॉल गरिमा, फोन करके बोलते गाते थे गाना ये पूरा मैच, अच्छा वो धुन पे सेट कर देते थे बिल्कुल। ओह, तो दैट्स हाउ, एंड देन बाकी के गाने भी ऐसा ही हुआ। हमने जब लिखे जो थोड़े बहुत चार पांच गाने और बाकी के जो स्क्रीन प्ले में थे, तो वो जब भी लिख के पढ़ाते बोलते थे नहीं यार ये मजा नहीं आया और कुछ लिखो, फिर दो दिन के बाद फोन करते थे और वो गाते थे वो गाना कंपोज करके। तो दैट वाज हिज रिएक्शन, दैट्स व्हाट, दैट वाज हिज वे ऑफ सेइंग कि इट्स गुड। एंड देन जो बाकी के गाने हैं जो म्यूजिक सिटिंग में लिखे गए हैं, जैसे कि इश्कियां ढिश्कियां वाज रिटन इन म्यूजिक सिटिंग, वो ऐसा था सर ने बोला अरे ये धुन आ रही है मेरे को, तो वहां कोई बैठा है अपना वो लेके कीबोर्ड लेके, तो उन्होंने बोला ये धुन आ रही है यहाँ कुछ लिख के दो। तो मतलब दो मिनट में उधर ही दो मिनट में मैगी नूडल की तरह, मतलब चलो भाई बना दो अभी। तो हमने तो दिल की ये गोली चली ना कि हाँ ये अच्छा आगे 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 बोलो आगे फटाफट बोलो। तो मुझे ये बताइए जब आप लोग कहानी लिख रहे थे तब आपको ये पता था कि इस फिल्म में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण होने वाले हैं, और यू ऑल रोट विद अ ब्लैंक माइंड कि एक्टर कोई भी फिट हो सकता है? वी रोट विद अ ब्लैंक माइंड मोस्टली, क्योंकि हमें पता था कि आगे जाके पता नहीं किसको, सर ने हमको कोई ब्रीफ नहीं दिया था उसके बारे में, तो वी रोट विद अ ब्लैंक सॉर्ट ऑफ माइंड। तो फिर ये जब एक्टर साइन हुए
उनके लिए कुछ चेंज करना पड़ा कहानी में, स्क्रीन प्ले में? स्क्रीन प्ले में नहीं, पर डायलॉग में हाँ. ओके. कहीं कहीं थोड़ा बहुत जो बोलने की हिसाब से, और गुजराती एलिमेंट हमने खुद डाला था उसके बाद जब. फिर उसके बाद व्हेन रणवीर सिंह केम ऑन बोर्ड, ही डिड अ फैबुलस जॉब बिकॉज ही डिड हिज ओन रिसर्च. ही वेंट टू गुजरात, रोम्ड अराउंड इन गुजरात, अपने पूरे कॉस्ट्यूम में लाठी लेके घूमता होता था. तो उन्होंने अपना खुद रिसर्च लेके आया वो एक टेबल पे, जैसे कहीं कहीं वर्ड्स हों तो वो अपने एक तरीके से बोलते थे. तो उसके हिसाब से शुरू में मतलब उन्होंने कुछ कुछ बोलना शुरू किया, फिर हमने उसको इनकॉर्पोरेट करते चले गए हम आगे के डायलॉग्स में. विद दीपिका, शी गॉट द डायलॉग एंड शी इनकॉर्पोरेटेड हर सेल्फ. ओके. उन्होंने खुद अपने आप को उस डायलॉग के टोन में ढाल लिया, जैसे कि वो सीन है अब जो जिसमें वो फ्रेज में बात कर रही है, वर्स में बात कर रही है. यस, एग्जैक्टली. जो इंटरवल के बाद का सीन, तो वो मतलब बिल्कुल उन्होंने उसको पकड़ लिया. शी यूज टू गेट द सीन, शी यूज टू टेक इट विद हर, उसको रट के आती थी अच्छे से, अब्सॉर्ब करके आती थी, यहाँ आके इमोट करती. और खासकर उनके लिए चैलेंज था बिकॉज वो हिंदी उनकी पहली लैंग्वेज नहीं है. एग्जैक्टली. फिर भी उसको उस तरीके से अब्सॉर्ब करना, उसका मीनिंग बैठ के हमारे साथ समझना और फिर उसको परफॉर्म करना एक चीज थी. रामलीला तो हो गई, अब और कौन सी फिल्मों पर काम कर रहे हैं? अभी हम एक इल्यूमिनाटी के साथ में एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं. अच्छा, सैफ अली खान और दिनेश विजन की फिल्म. ओके. की एक फिल्म, हम लोगों ने स्क्रिप्ट तो कंप्लीट कर ली है, अब देखिए फिल्म फ्लोर पे कब जाती है, डायरेक्ट कौन करते हैं, और होपफुली उनके साथ एक और वेंचर. अच्छा, तो दो वेंचर उनके साथ. चलिए सिद्धार्थ और गरिमा, आपसे बात करके बहुत मजा आया. एंड सबसे मजेदार बात यह है कि पहली फिल्म में ही आप लोगों ने ऐसे सक्सेस देख लिया है कि आई कैन ओनली से दैट मे यू ग्रो फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी. एंड आपकी हर फिल्म ऐसे कुछ लेकर आए कि ऑडियंस को देखने में मजा आ जाए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. तो दोस्तों, ये थे सिद्धार्थ गरिमा, इनकी फिल्म रामलीला. वेल, इट हैज क्रिएटेड वंडर्स एट द बॉक्स ऑफिस. इस साल की 100 करोड़ वाली फिल्मों में से ये एक है. बहुत कम फिल्मों ने 100 करोड़ मार्क को क्रॉस किया है. एंड रामलीला स्क्रिप्टेड बाय अ रैंक न्यू कमर जोड़ी, वेल दैट इज वन ऑफ देम. यही सबसे खुशी की बात है. फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही. हमारी मुलाकात कल फिर होगी ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस के एक और मजेदार एक्साइटिंग एपिसोड में. इन द मीन टाइम, आपके कोई सुझाव, कोई सजेशंस हो तो प्लीज डू राइट इन टू अस एट bollywoodbusiness@znetwork.com. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा, तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए बीबिज, स्पेस छोड़िए, टाइप कीजिए अपना पूरा सवाल, स्पेस छोड़कर अपना नाम टाइप करके भेजिए 57575 पर. यू कैन फॉलो अस ऑन ट्विटर @ETC Bollywood. दिस इज कोमल नहाटा बिडिंग यू गुड बाय.